हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल क्रैकिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय भंजन, कई नाम आते हैं, पर आपको घबराना नहीं है, बस इंग्लिश में याद कर लो थर्मल क्रैकिंग। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग थर्मल क्रैकिंग, ठीक है, यानी कि या तो बोलेंगे इसको हम ताप अपघटन, ओके ताप अपघटन, ठीक है, या क्या बोलोगे सर इसको आप ऊष्मीय अपघटन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम ऊष्मीय अपघटन, कई नाम आते हैं एक चीज के, ओके सर। और तीसरा इसको बोलते हो आप ऊष्मीय भंजन, ठीक है, ऊष्मीय भंजन, ठीक है। अच्छा और बताओ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्मल क्रैकिंग, ठीक है, थर्मल क्रैकिंग, ओके सर थर्मल क्रैकिंग। अब क्रैकिंग से समझ रहे हो ना आप, क्रैकिंग का मतलब क्रैक करना, क्रैक मतलब तोड़ना, जैसे कि एक बड़े पत्थर को जब आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग, मतलब तोड़ना, है ना, वही तो होता है। वैसे सेम टू सेम उसमें भंजन या फिर थर्मल क्रैकिंग भी ऐसे ही होता। देखो थर्मल का मतलब समझो किससे होगा, हीट से होगा या टेम्परेचर से होगा। तो जब आप ऊष्मा के प्रभाव में किसी बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हो तो उसे बोलते हैं हम थर्मल क्रैकिंग। पर ध्यान देना है, यहाँ कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, यहाँ आपका घोंसा नहीं चलेगा कि भाई मार मार के तोड़ दिया उसको, यहाँ क्या चलेगा, ऊष्मा के प्रभाव में, ठीक है, हीट होनी चाहिए, गर्म करना चाहिए आपको। तो ऊष्मा के प्रभाव में किसी बड़े अणु का छोटे छोटे अणुओं में अपघटित होना या बड़े अणु का छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊष्मीय भंजन या थर्मल क्रैकिंग कहलाता है। समझ में आया कुछ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से और समझ जाओगे जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यानी कि ऊष्मा के प्रभाव में, ओके सर, ऊष्मा के प्रभाव में, ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव में, ठीक है, किसी जटिल अणु का, ओके, छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा, थर्मल क्रैकिंग कहलाता है, ओके, परिवर्तन थर्मल क्रैकिंग कहलाता है, ठीक है सर, थर्मल क्रैकिंग कहलाता है। बहुत इजी परिभाषा है, आराम से याद कर लोगे, कोई परिभाषा ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ऊष्मा के प्रभाव में किसी जटिल अणु का छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा, थर्मल क्रैकिंग कहलाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अब देखो ज़रा ध्यान से, अब ध्यान से मेरे पास ये आता है बिल्कुल, जब आप किसी भी एल्केन को 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो एक बड़ा अणु अपघटित होकर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता, एक गैसीय मिक्सर बनता है, और उस गैसीय मिक्सर में, ठीक है, एल्कीन भी होते हैं, समझ में आया, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जरा ध्यान देना बेटे एग्जांपल पे, एग्जांपल बड़ा ज़रूरी है इसका, लिख बाद में देंगे, जैसे देखो जब किसी एल्केन को, ध्यान देना बेटे बोल बेटा, जब किसी जटिल एल्केन को 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है बेटे, गर्म किया जाता है, ठंडा नहीं करेंगे तो ठंडा किया जाता है, गर्म किया जाता है, ओके, गर्म किया जाता है। तो भाई बनता क्या है, पहले तो ये बताओ जरा, जब किसी जटिल एल्केन को, जटिल मतलब जिसमें कार्बन एटम की संख्या 6, मतलब 6 कार्बन एटम से ऊपर होनी चाहिए, ध्यान देना, बड़ा होना चाहिए, कुल मिलाकर बात यह, वरना अगर आपने मेथेन ले लिया, एथेन ले लिया, तो क्रैकिंग तो होगी उसमें, पर नगण्य, ना के बराबर क्रैकिंग होगी। इसलिए थोड़ा सा बड़ा एल्केन लो, जब किसी जटिल एल्केन को 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, तो वह छोटे छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है, अच्छा क्या बनता है, हो जाता, अर्थात एक गैसीय मिक्सर बनता है, एक कौन सा मिक्सर, एक गैसीय मिश्रण बनता है, समझ में आ रहा है ना, एक गैसीय मिश्रण बनता है। और बेटे इस गैसीय मिश्रण में, ध्यान देना, इस गैसीय मिश्रण में, यानी कि इस गैसीय मिश्रण में, ध्यान दो, इस गैसीय मिश्रण में क्या क्या होगा मेरे पास, एक तो होते हैं एल्केन,
ठीक है, मिश्रण में एक मेरे पास क्या होगा भाई, एल्केन होगा। ठीक है भाई, मेरे पास क्या होगा, एक एल्केन होगा। और बताओ सर, एल्कीन हो सकता है? हाँ साहब, एल्कीन भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, कार्बन होता है? होता है। और क्या होता है? हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। लाओ लो, जब किसी जटिल एल्केन को आप 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो तो भाई वह छोटे छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता, हो गया, एक गैस के मिक्सचर बनता है। और उस गैस के मिक्सचर में क्या क्या होते हैं तुम्हारे पास? एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, कार्बन होता है, और क्या होता है आपके पास? हाइड्रोजन होते हैं। समझ में आया? अब लेते हैं एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर, जरा ध्यान देना बेटा इस एग्जाम्पल पर, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, फोकस करना ज़रा ठीक से। यह है मेरे पास सी फोर यानी कि सी एट और एच 18, इसका नाम है क्या नाम है इसका? ऑक्टेन। क्या नाम है बेटे इसका? ऑक्टेन। ध्यान देना, इसका नाम है ऑक्टेन। अब इस ऑक्टेन को इन प्रेजेंट ऑफ, जब मैं भैया 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करता हूँ बेटे, गर्म करता हूँ, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे मैं इसको हीट करता हूँ, तो मेरे पास देखो कितने मिक्सचर बनेंगे, कितने मिक्सचर बन के तैयार होते हैं। ध्यान देना लाइन पर ज़रा, कितने मिक्सचर बन के तैयार होते हैं। पहला जो मिक्सचर लिया मैंने वो लिया C5H12, इसका नाम क्या होगा? C5H12, इसका नाम है पेंटेन। अब कितने बचे चेक कर लो, तो C3H6 रह गए, C3H6 है ना। देखो ये एल्कीन है, ये एल्केन है, तो ये है मेरे पास पेंटेन और ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास प्रोपीन। अब ध्यान देना, एल्केन और एल्कीन में बहुत बड़ा अंतर होता है। एल्केन में हाइड्रोजन एटम की जो संख्या होती है वो कार्बन परमाणु के दुगने से दो अधिक होती है, यानी कि कार्बन परमाणु का दुगना कर दो, उससे अगर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं तो वह एल्केन होगा। और यहाँ देखो 3 × 2 = 6, अगर कार्बन परमाणु के यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के दुगने के बराबर है 3 × 2 = 6 तो वो एल्कीन होते हैं, और अगर कम हो गई तो वो एल्काइन हो गए। ये तरीका है पहचानने का एल्केन एल्कीन को। यहाँ देख लो C5H12। अच्छा मैं एक कंपाउंड और बना रहा हूँ, बताना C5H12, C5H10 ले लिया मैंने। अच्छा ये बताओ ये एल्केन है या एल्कीन है? पहले कार्बन काउंट करो, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, इसका मतलब है एल्कीन है, यानी कि हाइड्रोजन एटम की संख्या ठीक है कार्बन परमाणु के दुगने के बराबर है। तो C5 5 × 2 = 10, ठीक है। प्लस कितने बचे मेरे पास? देखो C5H10, तो मेरे पास C3 रह जाएगा और मेरे पास H8 रह जाएगा। यहाँ देख लो 3 × 2 = 6, यानी कि हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है प्रोपेन हो गया हमारा ये, तो ये प्रोपेन है और ये मेरे पास बेटे पेंटीन हो गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका नाम बताओ C4H10 का, C4H10 इसका नाम क्या है मेरे पास? 4 × 8 ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन, मतलब ब्यूटेन हो गया, ठीक है। प्लस C4H10, तो C4H10 है 18 है, तो मेरे पास 8 रह रहे हैं, C4H8, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटे? ब्यूटेन। और ये हो गया तुम्हारे पास देखो C4H8, 4 × 8, तो ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा C4, ठीक है C4H10 मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस C2H2, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? देखो 4 × 8 हाइड्रोजन ज़्यादा है, समझ लिया ये ब्यूटेन हो गया C2H2। देखो यहाँ देखो 2 × 4 दुगने से हाइड्रोजन कम है, तो ये मेरे पास हो गया एल्काइन, इसका नाम है एसिटिलीन। प्लस मैथेन बन जाएगा हमारे पास, और भैया प्लस बन जाएगा हमारा कार्बन। काउंट कर लो कितने बैठ रहे हैं, 10 और 2 = 12, 12 = 4 = 16, यानी कि C4H4 बनेगा, C2H4 बनेगा। अब मेरे पास क्या बन गया तुम्हारे पास? C2H4, यानी कि ये बन गया आपके पास एथीन, यानी कि डबल बॉन्ड 2 × 4 दुगने के बराबर होता है, एल्किन बन गया, यानी कि ये बन गया हमारा एथीन। काउंट 10 × 4 = 14, 14 × 10 = 14, 14 × 4 = 18 पूरे बैठ रहे हैं। कार्बन काउंट कर लो, 4 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8 पूरे बैठ रहे हैं CH18, ठीक है। तो इस टाइप से इसका क्या होता है? अपघटन होता है। और इसका यूज पता कहाँ होता है? पेट्रोलियम अवयव बनाने के लिए, पेट्रोल बनाने में इसका भंजन का यानी कि क्रेकिंग का बहुत बड़ा यूज होता है, यानी कि कोई भारी जल होता है, यानी कि इसका यूज हम भारी जल को ठीक है पेट्रोलियम अवयवों में चेंज करने में किया जाता है। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई जो इसका उपयोग होता है यानी कि किसका, थर्मल क्रेकिंग का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, जरा मुझे बता दो। इसका उपयोग भारी तेल को क्या करने के लिए? इसका उपयोग भारी तेल को ठीक है सिंथेसिस का मतलब होता है बेटे कृत्रिम पेट्रोलियम, ठीक है ध्यान देना, पेट्रोलियम सिंथेसिस पेट्रोलियम, ओके। इसका उपयोग भारी तेल को सिंथेसिस पेट्रोलियम में चेंज करने में किया जाता है, किया जाता है। और बताइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में यह है कि भंजन द्वारा भारी तेलों या मिट्टी का तेल हो उसको आप पेट्रोलियम अवयव में चेंज कर सकते हो, यानी कि भंजन द्वारा, किसके द्वारा बेटे जरा बताओ मुझे, भंजन द्वारा ठीक है, भंजन द्वारा
चाहे तुम्हारे पास भारी तेल हो, भंजन द्वारा भारी तेल, दूसरा कौन सा है मेरे पास, भंजन द्वारा भारी तेल या मिट्टी का तेल, या मैंने क्या ले लिया बेटे, मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल, इसको बोलते हैं कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आदि को, ठीक है, आदि को पेट्रोलियम अवयव, ठीक है, पेट्रोलियम अवयव मैं चेंज करने में क्या जाता, चेंज किया जाता, यानी कि भारी तेल, मिट्टी, मिट्टी का तेल आदि को पेट्रोलियम अवयव में चेंज किया जाता, किया जाता, ओके, समझ में आया कुछ, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। इसकी एक रिएक्शन है, देखो मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, मेरे पास अगर रिएक्शन लूँ तो सबसे पहले देख लो भारी तेल या फिर कैरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल का जो फॉर्मूला आता है ना बेटे, वो पहले वो देख लो, वो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा, C14, ठीक है, और H14 दोनों 28 और 2 30, ये हो गया मेरे पास मिट्टी का तेल, किसका बेटे, मिट्टी का तेल, ओके सर, मिट्टी का तेल है ये मेरे पास, प्लस ध्यान देना लाइन पे C14H30, ये क्या बन गया मेरे पास, मिट्टी का तेल। जब मैं इसको क्रेक करूँगा ना, जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये पेट्रोल के अवयव देगा, एक देगा ये C6H14, कितना बचा मेरे पास, घटाओ 8 रह गया, C8 और H16, ठीक है, कितना बचा मेरे पास, काउंट कर लो 16 और 14 मेरे पास कितने हो गए, 30 हो गए, 6 और 8 14 पूरे हो गए, ठीक है। इसका नाम है बेटे ब्यूटेन, इसका नाम है तुम्हारे पास हेक्सेन, 6 दूनी 12, इसका नाम है 8 दूनी 16, यानी कि ब्यूटेन, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटे, इसको बोलता है, यानी कि ये है तुम्हारे पास पेट्रोल के अवयव, किसके अवयव में, ये पेट्रोल के अवयव, ठीक है, ये पेट्रोल के अवयव हो गए। इस टाइप से आप, यानी कि इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पेट्रोलियम अवयव में चेंज कर सकते हो किसी भी बड़े एल्केन को। तो सब ये बड़े एल्केन होते हैं, देखना ये C14H30, ये सब क्या है, एक बड़ा एल्केन है जिसको आप हीट करोगे तो ये पेट्रोल के अवयव में चेंज हो जाता। तो ये क्या है, एल्केन की एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज करवाई हैं, ना देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।